हेलो एवरीवन। सो आज हम पढ़ रहे हैं प्रॉपर्टीज ऑफ ट्राइंगल्स। ठीक है, ये मोस्टली क्लास 7th का टॉपिक है, लेकिन कभी कभार ये क्लास 6 के टॉपिक्स में भी मर्ज हो जाता है। तो हम अच्छे से पढ़ेंगे टॉपिक्स जो है हमारा प्रॉपर्टीज ऑफ ट्राइंगल्स। ट्राइंगल्स आपको पता है कैसा होता है। ठीक है, तो सबसे पहले आती है एंगल सम प्रॉपर्टी, जिसका प्यारा नाम है ASP। ठीक है, जब भी आप मेरी क्लासेस में पढ़ रहे होंगे आप इसको ASP के नाम से जानते हैं, या फिर हम इसको बोलते हैं अनुष्का शर्मा पागल। ठीक है, ओके। तो इससे थोड़ा सा हंसी मजाक से चीजों को ना दिमाग में इजीली रखा जाता है। सो देखो, अब मुझे पता है ट्रायंगल में ना तीन एंगल होते हैं, एक दो तीन। तीनों एंगलों का जो सम है ना बच्चे, तीनों एंगलों का जो सम है इज 180। हमेशा ध्यान रखना है, द सम ऑफ द ऑल द एंगल्स ऑफ अ ट्रायंगल इज 180। द सम ऑफ द ऑल द एंगल्स ऑफ अ ट्रायंगल इज 180। 180 का दूसरा नाम सप्लीमेंट्री। क्या नाम है दूसरा इसका? सप्लीमेंट्री। ओके बच्चे, ध्यान समझ आ रही है, बात क्लियर हो रही है? मतलब ट्राइंगल में कितना ही एंगल बना लो, जैसे ए बी सी, मैंने ट्राइंगल बनाया, इसमें तीन एंगल है, दैट इज एंगल ए, एंगल बी एंड एंगल सी, एंड इफ आई विल एड ऑल द थ्री एंगल्स इट गिव मी 180 एज अ सम। ठीक है, तो मुझे जो सम मिलेगा इनका, मतलब तीनों एंगलों का जो सम होगा वो मेरा कितना आ रहा होगा बेटा? 180 आ रहा होगा। यहां तक की बात मुझे ऐसा लग रहा है कि क्लियर है। ठीक है, तीनों एंगलों का सम क्या बनता है बेटा? 180 बनता है। इज इट इजी? देखो यहाँ पे, देखो यार मुझे 90 लग रहा है, ओके। देखो कभी भी ऐसा बन जाए तो 90 डिग्री होता है, 45 45। इसका मतलब 90 प्लस 45 प्लस 45, चेक कर लो क्या बन रहा है। 90 प्लस 90 प्लस 45 प्लस 45 90 होता है, और देन इट इज 180। ठीक है, चल अब हम कुछ क्वेश्चन करेंगे इसी के ऊपर। जैसे मान लो मैं एक ट्राइंगल लेके आया, मैं इसको लिख देता हूँ, ये 60 है, ये भी 60 है, तो बताओ ये कितना होगा, तो बताओ ये कितना होगा। तो भाई सिंपल सी बात है, पहले नामकरण कर देते हैं, ए बी सी। आई वेरी वेल नो कि एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी इज मस्ट बी इक्वल टू 180 ड्यू टू एंगल सम प्रॉपर्टी बच्चे। ठीक है, तो एंगल ए इज इक्वल टू 60, एंगल बी इज 60, बट एंगल सी इज एक्स। ओके, तो हम उसको एक्स लिखेंगे, इज इक्वल टू 180। दिस विल इक्वल टू एस 120 प्लस एंगल एक्स इज इक्वल टू 180। ये प्लस उधर उधर जाके क्या हो जाएगा गाइस? माइनस हो जाएगा, तो 180 माइनस 120 दैट्स गिव मी एक्स एज 60। बात समझ आ रही है? ये सिंपल है, तीनों एंगलों का जो सम है ना बेटा वो 360 180 बनेगा। बस उतनी भी बात पे ध्यान रखना है बस। अब बाकी जो दो रखे हो उसे थर्ड एंगल आपको कैलकुलेट करना है। एक और क्वेश्चन देखते हैं। ठीक है, देखो मुझे पता है ये सीधा एंगल है, सीधा एंगल मतलब 90 का। ठीक है, मैं एक और मान लेता हूँ, मान लेते हैं यहाँ पे मैं बोल देता हूँ ये 50 है, कितना बच्चे? 50 है। तो हम उससे बोलेगा ये बताओ, तो सिंपल है, फिर से लिखो। मान लो इसमें मैं पी क्यू वन लिख देता हूँ, पी क्यू एन आर, तो मैं लिखूंगा एंगल पी प्लस एंगल क्यू प्लस एंगल आर इज इक्वल टू 180। ठीक है बच्चे, सो एंगल पी मेरा कितना आ चुका है? 50 है, क्वेश्चन में गिवन है। एंगल क्यू इज 90, इट इज ऑल्सो इन क्वेश्चन। ठीक है, एंगल आर जो है मेरा वो एक्स डिग्री है। ठीक है, एंगल हटा देता हूँ, एक्स डिग्री है, इज इक्वल टू मैं 180। ठीक है बच्चे, इन दोनों को सम करेंगे, दैट्स गिव मी 140 एज अ सम, एंगल एक्स इज इक्वल टू 180। ये प्लस हो जाके क्या हो जाएगा बच्चे? माइनस हो जाएगा, तो एक्स इज इक्वल टू 180 माइनस 140। ठीक है, एट दैट इज एक्स इज इक्वल टू 40। कई बच्चे बड़ी ब्लेंडर मिस्टेक करते हैं, वो क्या लिखते हैं, इसकी जगह ना क्या लिख देते हैं, एक्स इज इक्वल टू 140 माइनस 180। नहीं, ऐसा कभी नहीं करना आपने, ये गलत मेथडोलॉजी है, इसको नहीं करना। ये इज इक्वल टू के पास में 180 था, तो इज इक्वल टू के पास में 180 ही रहेगा, ना कि 480 आ जाएगा। ठीक है, चलिए एक और ट्राइंगल लेते हैं। सो यहाँ पे हम दोबारा ले लेते हैं इसको 90 डिग्री, यहाँ हम इस बार ले लेते हैं 45 डिग्री, और हम बोलते हैं कि ये इस बार एक्स ना लेके वाई ले लेते हैं। ठीक है, तो मुझे पता है नामकरण करेंगे पी, अगर क्वेश्चन में नाम दे रखे है तो नाम लिखे रहना, नहीं तो खुद कर लेना। एंगल पी प्लस एंगल क्यू प्लस एंगल आर इज इक्वल टू किसके बराबर होना चाहिए? 180। एंगल पी कितना आ गया बेटा? वाई। एंगल क्यू कितना बच्चे? 90। एंगल आर कितना बच्चे? 45 इज इक्वल टू 180। अब मुझे पता है पहले मुझे प्लस करना पड़ेगा इन दोनों, सॉरी मुझे दोनों को प्लस करना पड़ेगा, जो आ गया 135 इज इक्वल टू मैं 180। मुझे पता है कि ये 180 इधर है, इधर ही रहेगा, ये उधर जाके माइनस हो जाएगा, तो माइनस 135, 180 माइनस 135 दैट्स गिव मी 45 डिग्री। कितना आ गया भाई की वैल्यू? 45 डिग्री। समझ आ गई बात? क्लियर है? चलिए एक लास्ट ट्रायंगल ले लेते हैं। सो यहाँ पे दिख नहीं रहा होगा राइट, तो इसको ले लेते हैं 60, इसको ले लेते हैं 70, और आपसे ये मांगेगा ये एक्स बताओ।
ठीक है ना। चलिए तो नामकरण करें ए बी एन सी। ओके बच्चे, सो वही एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी इज इक्वल टू 180। देखो मैंने बहुत सारे क्वेश्चन करवा दिए, सिर्फ इसलिए कराए कि आम लोगों के दिमाग में घुस जाए। ठीक है, तो एंगल ए 60 है प्लस एंगल बी आपका जो है वो 70 डिग्री है बच्चे, प्लस एंगल सी एक्स है बेटा। साथ में लिखना है ए एस पी अनुष्का शर्मा पागल, नहीं तो एंगल्स ऑन प्रॉपर्टी। ठीक है, इसको जोड़ेंगे 130 आ जाएगा, प्लस एक्स इज इक्वल टू 180। सो एक्स इज इक्वल टू 180 माइनस 130 दैट्स गिव मी एक्स इज इक्वल टू एस 50 डिग्री। ठीक है, क्लियर हो गई। सबके ऊपर डिग्री जरूर लगाएं, डिग्री जरूर लगाएं, पीछे नंबर काट सकते हैं डिग्रीज के। ठीक है बच्चे, क्लियर है यहाँ तक? मुझे लगता है कोई दिक्कत हो ही नहीं सकती इस टॉपिक में। ठीक है, बस एंगल के तीनों एंगलों को सब 180 करना है, वहां से कोई ना हो एक एंगल निकल जाएगा। लेकिन प्रैक्टिस जरूर करें, जब भी मेरी वीडियो लेक्चर देख रहे हो प्लीज उसको साथ साथ नोट करें, पोज करें नोट करें, पोज करें नोट करें। ठीक है, समझो पोज करो नोट करो, समझो पोज करो नोट करो। चलो भाई अगला, अगली जो प्रॉपर्टी है बेटा वो हमारी है एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी। कौन सी प्रॉपर्टी है बेटा? एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी। भाई ये प्रॉपर्टी क्या बोलती है? ये प्रॉपर्टी बोलती है कि जो बाहर वाला जो एंगल है ना बच्चे, कौन सा एंगल है बेटा? बाहर वाला, वो अंदर के दो एंगलों के बराबर होता है। फॉर एग्जाम्पल बाहर का एंगल है एंगल ई, एंगल ई बाहर का एक्सटीरियर एंगल है। कैसा एंगल है? एक्सटीरियर एंगल। अंदर का कौन सा एंगल है? एंगल बी। साथ वाला नहीं होना चाहिए, साथ वाला एडजस्टेड एंगल को नहीं लेना। देखो मैं आपको पता है एडजस्टेड एंगल इज नोन एज साथ वाला एंगल, तो साथ वाले एंगल को कभी नहीं लेना, आपने अपोजिट एंगल्स को लेना है। तो एंगल ए प्लस एंगल बी के बराबर होगा। ठीक है, क्लियर है? ठीक है, तो यही लिखा है यहाँ पर भी, एंगल ई जो होगा, एंगल ई जो बाहर वाला एंगल होता है वो हमेशा अंदर के अपोजिट टू एंगल्स के बराबर होता है, जिसको एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी बोलते हैं। कौन सी प्रॉपर्टी बोलते हैं? एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी। अगर मैं इसकी इंग्लिश निकाल दूं, एन एक्सटीरियर एंगल इज दी सम ऑफ टू अपोजिट इंटीरियर एंगल्स। ठीक है बच्चे, क्लियर है यहां तक की बात? तो बाहर वाला एंगल अंदर के दो अपोजिट एंगलों के सम के बराबर होता है, पर ध्यान रखना है साथ वाला नहीं होना चाहिए बस। चलिए अब इसी के भी आगे कुछ क्वेश्चंस हमारे पास। तो फॉर एग्जांपल इट इज 120 और ये मान लेते हैं मेरा 60 है और ये मान लेते हैं मेरा x है। ठीक है बच्चे, तो मुझे इसको कैलकुलेट करना है, तो मुझे पता है वही बाहर वाली प्रॉपर्टी लगेगी एंगल सी। एंगल सी है यहाँ पे, देखो चेक कर लो। ठीक है, इज इक्वल टू एंगल ए प्लस एंगल बी हो जाएगा। सो एंगल सी, देखो एंगल सी ना दो है, एक इधर भी है एक इधर भी है, तो एंगल सी ना लिख के मैं एक काम कर सकता हूँ, पूरा नाम लिख सकते हैं ए सी डी, क्योंकि हम बात कर रहे हैं बाहर वाले की, बात हो रही है एंगल सी की, तो सी बीच में, इधर वाले में ए, इधर वाले में। ठीक है बच्चे, तो एंगल ए सी डी इज इक्वल टू में एंगल ए प्लस एंगल बी। अब चेक करो क्या दे रखा है क्या नहीं दे रखा। ये मुझे दे रखा है 120, एंगल ए मुझे दे रखा है 60, एंगल बी मुझे दे रखा है एक्स, कुछ है नहीं, एक्स ले लो। इसको उधर लेके जाएंगे प्लस हो जाएगा, क्या हो जाएगा बेटा? माइनस। तो 120 माइनस 60 इज इक्वल टू एंगल एक्स, 60 विल बी द आंसर। ओके बच्चे, क्लियर है? और सिंपल सी पता भी चल रहा है, यहाँ 60 है, यहाँ क्या होगा कि 120 आ जाए? ऑफकोर्स 60 होगा। चलिए एक और एंगल लेते हैं यहाँ पर, इस बार ले लेते हैं यहाँ पर 130, यहाँ ले लेते हैं 50, और आपसे इस बार ये वाला माप रहा है। ठीक है, तो फिर वो लिखेंगे एंगल ए सी डी, क्योंकि इस वाले एंगल का नाम ए सी डी है, इक्वल टू एंगल ए प्लस एंगल बी। ठीक है, तो ये मेरा 130 आ चुका है बेटा। ठीक है, यहाँ मेरा एंगल है आ चुका है 50 डिग्री, प्लस मेरा ये आ चुका है एक्स डिग्री। इसको उधर लेके जाएंगे माइनस करेंगे, 130 माइनस 50 कर देंगे इक्वल टू एक्स, तो ये मेरे ख्याल से बचेगा 80। इतना बच्चे का मैंने बेटा एक। क्लियर है बेटा यहाँ तक की बात? मुझे लगता है इजी है यार, इजी चल रहा है ना। चलिए समझ आ गई एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी। चलिए बेटा अगला, एंगल अपोजिट टू द इक्वल साइड्स ऑफ एन ट्रायंगल आर इक्वल। बहुत अच्छी प्रॉपर्टी है। मान लेते हैं कि ए सी जो है वो बराबर है सी बी के। ठीक है, ये क्वेश्चन में गिवन, क्वेश्चन ने मुझे बताया कि दोनों इक्वल। ठीक है, अगर ये वाला साइड सारी साइड के बराबर, तो इसके अपोजिट एंगल कौन सा है? इस लाइन के अपोजिट एंगल है एंगल बी, तो ए सी का अपोजिट एंगल बी, सी डी का अपोजिट एंगल एंगल ए, कौन सा है? एंगल ए। तो बस हो गया क्वेश्चन खत्म, यही मांग रहा था वो कि दोनों एंगल कितने कितने के होंगे। अगर ये 60 है तो ये भी 60 हो जाएगा, ये 50 है तो ये भी 50 हो जाएगा, ये 45 है तो ये भी 45 हो जाएगा। ठीक है,
तो अगर एक ट्रायंगल में दो अपोजिट साइड्स इक्वल हैं, तो उसके अपोजिट एंगल भी कैसे रहेंगे? इक्वल। इंग्लिश में अपोज एंगल अपोजिट टू इक्वल साइड्स ऑफ एन ट्रायंगल आर इक्वल, एंगल अपोजिट टू इक्वल साइड्स आर इक्वल। चलो, तो वैसे ही सेम चीज यहाँ पे भी है। ठीक है, अब मैं एक काम करता हूँ, मैं ना यहाँ पर वैल्यू दे देता हूँ आपको। तो मान लेते 70 है, तो मुझे बताओ ये क्या होगा? ऑफकोर्स एंगल ए बराबर एंगल बी होगा। क्यों? क्योंकि जो ए सी साइड्स है वो किसके बराबर है? सी बी साइड्स के। तो इसलिए एंगल एंगल भी बराबर होगा, एंगल ए 70 है, एंगल बी एक्स है, तो इसकी वैल्यू 70 आ गई। चलो, सो यहाँ पे मैं सोच रहा हूँ कि एक दो क्वेश्चन और कर लिए जाए इसको मिटाकर, आप ऐसा ले लो ना। चलो मान लेते हैं यहाँ पर ना क्वेश्चन ने क्या दिया कि भाई ये 90 है, ठीक है, और आप मुझे ये दोनों बताओ। ठीक है, मतलब ये भी बताओ और ये भी बताओ। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ऐसा क्वेश्चन पेपर में आते हैं। ठीक है, तो फॉर एग्जाम्पल मुझे ये बताए कि ये निशान होता है ना, ये इक्वल का निशान होता है, इसका मतलब है कि ए सी जो है साइड है वो सी बी के बराबर है, और ए सी का अपोजिट एंगल है एंगल बी, और सी बी का अपोजिट एंगल है एंगल ए। ठीक है, सी बी का अपोजिट एंगल है एंगल ए। क्लियर है यहाँ तक की बात बेटा? अब एंगल ए और एंगल बी बराबर, तो मुझे नहीं पता कि मेरे पास क्या, तो मैं एक को एक्स मान लेता हूँ, तो दोनों ही मेरे एक्स हो जाएंगे। तो लेट एंगल ए इज एक्स, देयरफॉर एंगल बी भी क्या हो जाएगा बेटा? एंगल बी भी क्या हो जाएगा? एक्स हो जाएगा। अब मुझे पता है ये भी एक्स है, ये भी एक्स है, अब दोनों एक्स है, एक 90 है। तो बताओ, हमने एक प्रॉपर्टी पहले पढ़ी है, तीनों का सम क्या होना चाहिए बेटा? 180 होना चाहिए। तो 90 प्लस एक्स क्या होता है बेटा? 2x। अलजेब्रा में पढ़ा होगा आप लोगों ने। ठीक है, तो 2x इज इक्वल टू 180, इधर जाके 90 माइनस हो जाएगा, तो 2x इज इक्वल टू में 90, x इज इक्वल टू में 45 डिग्री, x इज इक्वल टू में 45 डिग्री। बात समझ आ रही है बेटा? एक और करेंगे, मान लेते हैं ये 80 है, ठीक है, और तब ये एक्स हो जाएगा, ये एक्स हो जाएगा, क्योंकि तो ये वाला साइड इसके बराबर है, तो हम पूरा ऐसा लिखना। ठीक है, कैसे लिखोगे? ए सी बराबर है सी बी के, देयरफॉर ए सी के अपोजिट एंगल हो गया एंगल बी, सी बी के अपोजिट एंगल हो गया एंगल ए, देयरफॉर दोनों ही मैंने एक्स मान लेता हूँ, तो ये भी एक्स हो गया, ये भी एक्स हो गया। 80 प्लस एक्स इजल टू 180 डू टू अनुष्का शर्मा पागल। ठीक है, तो 80 इजल टू एक्स प्लस एक्स हो गया बेटा मेरा 2x इजल टू में 180। ठीक है बच्चे, 80 उधर जाएगा सबसे पहले, तो 2x is equal to में 180 minus 80, तो 2x is equal to में 100, ठीक है, और x is equal to में 100/2, so x is equal to में 50 degree। इजी है। चल अगले आ जाते हैं बता, पाइथागोरस थ्योरम। तो ये उन्हीं की है जो क्लास 7th के बच्चे, क्लास 7th और 8th के बच्चे। ठीक है बच्चे, हाइपोटेन्यूज क्या कहती है? देखो सुनो सुनो, एक राइट एंगल ट्रायंगल है, कौन सा ट्रायंगल होता है बेटा? राइट एंगल ट्रायंगल। तो राइट एंगल ट्रायंगल में ध्यान रखना, ये जो हमारा 90 डिग्री है, ठीक है, 90 डिग्री के सामने वाला हमेशा लॉन्गेस्ट साइड होती है, लॉन्गेस्ट साइड ऑफ ए ट्राइंगल होती है, और हमेशा हाइपोटेनियस होता है। जिस पे ट्राइंगल खड़ा होता है वो बेस होता है, जिस पे जो सीधी लंबी हाइट होती है उसको एल्टीट्यूड बोल लो या परपेंडिकुलर बोल लो। ठीक है, बात समझ आ गई? तो मैं हमेशा याद करता हूँ, हाइपोटेनियस का स्क्वायर इज इक्वल टू में बेस का स्क्वायर प्लस में परपेंडिकुलर का स्क्वायर। इन्होंने एल्टीट्यूड लिख दिया, आप परपेंडिकुलर भी लिख सकते हो। ठीक है, ओके, एक ही बात होती है बस। हम देखो तीनों चीजें बराबर है, राइट एंगल ट्राइंगल में एल्टीट्यूड, परपेंडिकुलर और हाइट, तीनों चीजें सेम होती है, लेकिन हम हाइट इसलिए यूज नहीं करते क्योंकि ऑलरेडी एक शब्द एच वाला है, हाइपोटेनियस, इसलिए। ठीक है ना, तो हाइपोटेनियस इज द लॉन्गेस्ट साइड ऑफ अ राइट एंगल ट्राइंगल, ध्यान रखना, हाइपोटेनियस इज द लॉन्गेस्ट साइड ऑफ अ ट्राइंगल। ठीक है बच्चे, क्लियर है? अब मान लेते हैं हमारे पास ये क्वेश्चन है, ठीक है, ओके, 7th क्लास के बच्चे, 7th और 8th क्लास के बच्चे ध्यान देंगे, ये 4 है, ये 6 है, और ये कुछ नहीं। तो P Q R, मुझे पता है 90 के सामने वाला H हो गया, जिस पे ट्रायंगल खड़ा है वो बेस हो गया, जो सीधी हाइट है वो P हो गई। ठीक है, तो क्यू आर का स्क्वायर, क्योंकि मुझे ऐसे कर लेते हैं, एच का स्क्वायर इज इक्वल टू में बेस का स्क्वायर प्लस में परपेंडिकुलर का स्क्वायर। हाइपोटेनियस मेरा पी आर मुझे दे नहीं रखा, बट बेस मुझे दे रखा बेटा कितना है? 6 का स्क्वायर प्लस में परपेंडिकुलर मुझे दे रखा 4 का स्क्वायर, 36 प्लस 16, 6 36, 4 4 16, तो 6 और 6 देख पा रहा। ठीक है, तो इसका मतलब पी आर जो है वो अंडर रूट 52 बन गया। क्या बन गया? पी आर अंडर रूट 52। अभी आगे सोल्व नहीं हो सकता क्योंकि 52 किसी का भी स्क्वेयर रूट नहीं है। एक और क्वेश्चन आया है मेरे सामने, ये मैं मिटा दूं, ये पर आप SS ले लो, तो मैं मिटा देता हूँ एक बार। ठीक है, सेम है, हाइपोटेनियस का स्क्वायर जो परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर 6 का स्क्वायर 4 का स्क्वायर, 6 का स्क्वायर 36, 4 का स्क्वायर 16 प्लस करा तो आ गया 52, 52 किसी का भी नहीं होता, तो रूट में आंसर छोड़ देना। ठीक है,
चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है एक्स सिक्स एंड एट, ठीक है, तो इसका नामकरण करेंगे पी क्यू आर। 90 के सामने वाला एच हो गया, लेटा हुआ बेस हो गया, खड़ा हुआ परपेंडिकुलर हो गया, ठीक है बच्चे। तो फिर लिखेंगे पी आर का स्क्वायर इज इक्वल टू में क्यू आर का स्क्वायर प्लस में पी क्यू का स्क्वायर। पी आर कितना है बच्चे, एक्स है, क्यू आर कितना है, क्यू आर मेरा 8 का स्क्वायर है प्लस में पी आर के पी 6 का स्क्वायर है। 8 8 का 64 हो गया, 6 6 36 हो गया, मेरे ख्याल से बन गया 100, तो एक्स का स्क्वायर 100 आ रहा है, तो एक्स इज इक्वल टू अंडर रूट 100। 100 किसका होता है बेटा, 10 का होता है, याद करवाया होगा मैंने आप लोगों को। चलिए अगला बोल रहा साइड अपोजिट टू द ग्रेटेस्ट एंगल इज द ग्रेटेस्ट साइड, ठीक है। ऑफ कोर्स 90 का एंगल है, मतलब तीन एंगल, तीन में 90 सबसे बड़ा, उसके सामने जो साइड होगी ना बेटा, सामने जो साइड होगी वो ही होगी हमेशा कौन सी, लॉन्गेस्ट, ठीक है। मान लेते हैं, मान लेते हैं एक ट्रायंगल बनाते हैं, ये 60 है, ये अपना मान लेते हैं 70, 130 हो गया ना, 130 के बाद जोड़ गया 50। अब मुझे पता सबसे सबसे नामकरण ए बी सी, सबसे बड़ा एंगल है 70, 70 के सामने की साइड कौन सी है, ये वाली, तो ए सी इसकी लॉन्गेस्ट साइड होगी, कौन साइड होगी, लॉन्गेस्ट साइड होगी, एक और ट्रायंगल है तो ऐसा मत लो, ऐसे लो 70 30 80, ए बी सी, 80 सबसे बड़ा है, 80 के सामने की साइड कौन सी है, ए बी, तो ए बी इज द लॉन्गेस्ट साइड, ठीक है बच्चे, क्लियर है। अच्छा एक टॉपिक और आ गया, इनइक्वालिटी, ट्रायंगल इन इक्वालिटी प्रॉपर्टी, ये बहुत अच्छा टॉपिक है। देखो हमेशा ध्यान रखना है, हमेशा दो साइडों, अगर एक ट्रायंगल बन रहा है तो दो साइडों का सम हमेशा तीसरी साइड से बड़ा होना चाहिए। जैसे मैंने ट्रायंगल लिया 3 4 5, चेक करो क्या इन दोनों का सम, इन दोनों का सम मतलब 7, क्या बड़ा है 5 से, फिर चेक करो क्या इन दोनों का सम मतलब 9, क्या बड़ा है 3 से, फिर इन दोनों का सम मतलब 8, क्या बड़ा है 4 से। इसी वजह अगर तीनों यस हो जाए, मतलब दो साइड का सम तीसरे से बड़ा हो जाए, दो साइड का सम तीसरे से बड़ा हो जाए तो ही वो ट्रायंगल बन सकता है, अदरवाइज वो ट्रायंगल नहीं बन सकता। जैसे इन्होंने बनाया देखो ए बी, ए बी का सम अगर तीसरे से बड़ा है तो ठीक है, वैसे ही सी ए का सम, सी ए का सम अगर बी से बड़ा है तो सही है, और सी ए का सम सी बी का सम अगर बड़ा है तो वो सही है, नहीं तो वो गलत है, नहीं तो ट्रायंगल बन ही पाएगा कभी जिंदगी में, ट्रायंगल बनेगा ही नहीं, ठीक है बच्चे। पर ये क्वेश्चन से कुछ ध्यान रखें, अभी ये वाला क्वेश्चन एक आधा कर लेते हैं, चलो मुझे ऐसा लग रहा है कि ये कर लेते हैं, ठीक है। तो इन दो का सम चेक करो, 4 और 6 तो 6.7, क्या 6.7 बड़ा है क्या 8 से, नहीं है ना, तो गलत हो गया, नो हो गया इसका आंसर, क्योंकि तो 3 दे रखे हैं, वो बोल रहा है ट्राइंगल पॉसिबल और नोट, ठीक है। तो इन दो को मैंने जोड़ा, इन दोनों को 4 5 6 6.7, इसका जो सम है वो 8 से बड़ा नहीं होता, तो ये नो हो गया, और चेक कर सकते हैं हम, तो इस पर नो हो गया, बाकी दोनों आप मुझे कमेंट में बताएं कि यस है कि नो, ठीक है बच्चे। करना वही, इन दो का सम चेक करना इससे बड़ा होना चाहिए, फिर इन दो का सम इससे बड़ा होना चाहिए अगले वाले से, फिर बाकी दो का सम इससे बड़ा होना चाहिए, ठीक है। मतलब कोई भी दो पकड़ो उसका सम तीसरे से बड़ा होना चाहिए, फिर ये दो पकड़ लो इधर दो वाले उनका सम बीच वाले से बड़ा होना चाहिए, फिर लास्ट का दो पकड़ लो उनका सम पहले से बड़ा होना चाहिए। दोबारा बोल देता हूँ, अगर 3 नंबर लिखे हैं, पहले इन दो का जो सम होना चाहिए बड़ा होना चाहिए इससे, फिर इन दोनों का सम बड़ा होना चाहिए इससे, फिर जो बचे हमारे इन दोनों का सम बड़ा होना चाहिए इससे, ठीक है बच्चे, क्लियर है मेरे हिसाब से। तो आप पहले दूसरे के कमेंट सेक्शन में मुझे जरूर बताएं आंसर। बाय बाय, टेक केयर।